हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक साइंस फिक्शन मूवी रेडियो फ्लैश मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को थैंक यू कि इस चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, वरना मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छा बना रहा हूँ या खराब बना रहा हूँ। या आप अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो में क्या अच्छा करना है, वो भी आप लिख कर बता सकते हैं। या फिर आप अगर किसी मूवी एक्सप्लेनेशन का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रीज नाम के एक टीनेजर के साथ होती है, जो दीवारों पर लगे टेलीफोन से भरे एक छोटे से कमरे में है। अचानक उनमें से एक, जिस पर एक नोट लगा है, वो बजने लगता है। रीज फोन कॉल उठाती है और वो एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनती है जो उसे रॉयल फ्लश मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जैसे ही वो ये समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ हो क्या रहा है, दूसरा टेलीफोन बजने लगता है और वो सभी में एक ही बात सुनती है। अचानक टेलीफोन से पानी निकलना शुरू हो जाता है और कमरा भरने लगता है। तभी रीज अपना ध्यान ऊपर की ओर करती है और छत से जुड़ा एक बाथरूम देखती है। ये महसूस करते हुए कि उसे टॉयलेट को फ्लश करना है, वो टेलीफोन की मदद से दीवार पर चढ़ने लगती है। हालांकि वहां उसे एक हैंडल नहीं मिलता, ये सोचकर अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो डूबने वाली है। रेज खुद को शांत करती है और स्टिकी नोट पर पहले वो नंबर को पढ़ती है। इसके बाद उसे दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके हाथों में कम समय होने के कारण रेज वापस नीचे तैरती है और उस नंबर को डायल करने के लिए किसी एक टेलीफोन का यूज करती है। उसका प्लान काम करता है और एक सीक्रेट डब्बा खुल जाता है जिसमें लापता बाथरूम का हैंडल होता है। रेज टॉप पर वापस जाती है और बाथरूम पर हैंडल को ठीक करती है। वो फिर टॉयलेट को फ्लश करती है जिससे कमरे का सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। हालांकि कुछ सेकंड के बाद ये पता चलता है कि पूरा एक्सपीरियंस केवल एक वर्चुअल रियलिटी गेम था। रिज अपना वीआर हेडसेट उतारती है और ये पता चलता है कि वो असली में एक ई स्पोर्ट सेंटर में है। बाद में वो घर आती है और अपने पिता क्रिस के साथ डिनर करती है। ये साफ है कि दोनों बहुत करीब हैं, क्योंकि रिज ने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। अचानक से कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगती है और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर हमें पूरे शहर का अलग अलग इलेक्ट्रिक आउटपुट का हाल दिखाया जाता है, जो उसी तरह से नष्ट हो जाता है। किसी कारण से बिजली से चलने वाली हर चीज खराब हो रही है। घर के अंदर वापस क्रिस इसके बारे में कुछ नहीं सोचता और रीज भी यही सोचती है कि शहर एक नॉर्मल बिजली आउटेज से गुजर रही है। हालांकि रीज को कोई सिग्नल नहीं मिल पाता और वो बाहरी दुनिया से कट जाती है। चल रहे शॉर्ट सर्किट के कारण रीज का कंप्यूटर सेटअप भी आग के लपटों में चला जाता है। वो किसी तरह आग बुझाने में सफल तो हो जाती है, लेकिन अपने कंप्यूटर को बचाने में वो असफल रहती है। बाद में लिविंग रूम में क्रिस एक लालटेन जलाता है और अपनी बेटी को बताता है कि ब्लैकआउट उनके लिए एक जरूरी ब्रेक है इलेक्ट्रिक डिवाइस से दूर रहने के लिए। फिर दोनों आईपैड पर कुछ पुराने तस्वीर देखने लगते हैं। अरे क्रिस अंकल, ये भी तो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही है। दोनों आईपैड पर पुराने तस्वीर देखकर अपने पुराने समय को याद करते हैं, जब रेज की माँ जिंदा थी। जल्दी वो सोफे पर सो जाते हैं। आधी रात में रेज अपने गोदाम से एक अजीब सी आवाज सुनती है। अपने पिता को बिना जगाए वो धीरे धीरे लालटेन लेकर बाहर निकलती है और फिर गोदाम में चली जाती है। वहाँ उसे रेडियो फ्लैश नाम का एक किताब मिलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या EMP के लिए एक और वर्ड है। जैसा कि रिज जगह को चारों ओर देखती है, हमें पता चलता है कि गोदाम असली में उसके दादाजी फ्रैंक का था, जो कुछ साल पहले पहाड़ों में रहने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद रिज टेबल पर एक पुराना रेडियो स्टेशन देखती है और फ्रैंक से कुछ जवाब पाने की उम्मीद में वो रेडियो स्टेशन को ठीक करती है। वो फिर डिवाइस चालू करती है और अपने दादाजी को कॉल करती है, जो कुछ सेकंड बाद जवाब देते हैं। ये पता चला कि फ्रैंक बिजली आउटेज के बारे में बहुत चिंतित है, जिसे वो दुनिया का सर्वनाश कहता है। उसके अनुसार USA का पूरा पश्चिमी हिस्सा एक रहस्यमय आउटेज से प्रभावित हुआ है। वो अनुमान लगाता है कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक से कुछ लेना देना हो सकता है, और फ्रैंक चाहता है कि रीस और उसके डैड तुरंत अपना घर छोड़ दें और उनके साथ पहाड़ों में आ जाएं, क्योंकि यहाँ उनके पास बहुत सारे जरूरी सप्लाईज हैं। कॉल कट करने से पहले फ्रैंक रीस को एक मैप और मोबाइल रेडियो के बारे में बताता है, जो उनके ट्रिप में उनकी मदद करेंगे। हालांकि रेडियो तब काम करेगा जब वो फ्रैंक से 5 मील के दायरे में होंगे। ये सबसे पता चलता है कि फ्रैंक ने इस घटना के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। रिज अगली सुबह अपने पिता को सिचुएशन के बारे में बताती है कि यह कितना सीरियस है।
सबसे पहले क्रिस फ्रैंक की जगह पर जाने से इनकार कर देता है, ये दावा करते हुए कि वो एक पागल इंसान है। लेकिन जब उसकी बेटी जिद करने लगती है तो वो कम से कम अपने डैड को कॉल करने के लिए मान जाता है। कुछ ही समय के बाद दोनों गोदाम में जाते हैं और रेज रेडियो ट्रांसमिशन शुरू करती है। उसके जाने के बाद क्रिस और फ्रैंक ने अपनी बातचीत शुरू की। सबसे पहले फ्रैंक बिजली आउटेज के पीछे की सच्चाई को समझाता है और उसने खुलासा किया कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईएमपी का प्रभाव है, जो जल्द ही राज्यों के हर हिस्से में दंगे और अशांति का कारण बनेगा। उसका ये भी दावा है कि केवल 3 दिनों के अंदर सप्लाईज और डिवाइसेस खत्म हो जाएंगे, इसलिए पहाड़ों में रहना उनके लिए एकमात्र सेफ ऑप्शन है। ये सब सुनकर क्रिस आखिरकार घर छोड़ने को मान जाता है और थोड़ी देर के बाद वो रिस के साथ अपना सामान पैक करने लगता है, जबकि बाहर की स्थिति बिगड़ने लगती है। लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण पुलिस और नागरिक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि हो क्या रहा है और ये खत्म कब होगा। इस बीच क्रिस और रीज अपने कार में बैठते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अपने रास्ते में वो कुछ सप्लाईज लेने के लिए एक सुपरमार्केट में रुकते हैं। हालांकि जब वो पानी और खाने जैसे सप्लाईज के लिए लोगों के बीच झड़प और लड़ाई देखते हैं, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। जैसे ही वो उस जगह से निकलते हैं, हमें दिखाया जाता है कि हजारों दूसरे लोग भी शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में बाप बेटी एक पुल पर रुकते हैं जहाँ एक एक्सीडेंट के वजह से रास्ता ब्लॉक्ड है। कुछ घंटों के बाद पुल में तनाव चरम पर पहुंच जाता है और एक आदमी आपा खोकर अपनी गाड़ी भगाता है और दूसरे गाड़ी को रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ता है। इससे सड़क खुल जाती है, इसलिए क्रिस और रीज जल्दी से अपने गाड़ी पर वापस जाते हैं और अपनी जर्नी जारी रखते हैं। बाद में उस रात में रिज जागती है और देखती है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये क्रिस को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो पल भर के लिए अपने आँखें सड़क से हटा लेता है और पास के जंगल में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। अगली सुबह रिस को उसके पिता जगाते हैं और रिस को कोई चोट नहीं लगी है, पर लगता है क्रिस के सिर पर चोट लगी है और उसका खून बह रहा है। दोनों तब फ्रैंक के घर पर जाने के लिए पास की एक नदी को फॉलो करते हैं। फ्रैंक दोनों के बारे में थोड़ा सा चिंतित होने लगता है क्योंकि उन्हें सुबह तक पहुंच जाना चाहिए था। इस बीच क्रिस को चलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए रिज अपने डैड को थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलती है। वो पास के एक झरने के पास रुकते हैं और पानी भरते हैं। वहां रिज को पता चलता है कि उसके पिता के पीठ पर एक गंभीर चोट है और उसकी बाह में एक गहरा कट है। वो तुरंत अपने डैड के घावों का इलाज करना शुरू करती है, क्रिस के ये कहने के बावजूद कि वो खुद ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं, लेकिन क्रिस अब बेहद कमजोर हो चुका है और वो लास्ट में गिर जाता है। होश खोने से पहले वो अपनी बेटी को मदद के लिए पुकारने के लिए कहता है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए रिज जंगल से होते हुए भागती है, जहां उसे एक खलिहान और ग्लेन नाम का एक किसान मिलता है। लड़की को देखकर वो जल्दी से उसकी मदद करता है और क्रिस को अपने घर में वापस ले आता है। बट सैडली कई कोशिशों के बावजूद क्रिस होश में नहीं आता और सांस लेना बंद कर देता है। रिज ये देखकर टूट जाती है क्योंकि अब उसके पिता भी नहीं रहे। उसी रात वो और ग्लेन उसे खेत में दफना देते हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अगले दिन ग्लेन रिज को उसके दादाजी के घर पर पहुंचाने के लिए मदद करने का फैसला करता है और जल्द ही वो ग्लेन के ट्रेलर में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दूसरी ओर फ्रैंक इंतजार करते करते थक जाता है, इसलिए उसने खुद क्रिस और रिज की तलाश करने का फैसला किया। कुछ घंटों के बाद वो दुर्घटना स्थल पर आता है और कार के बगल में फर्श पर खून से सने कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। फ्रैंक फिर सड़क से होते हुए आगे बढ़ता है और उस खेत को ढूंढता है जहां रिज पहले थी। वो ये देखने जाता है कि क्या घर पर कोई है, लेकिन सोफे पर वो खून देखता है। कुछ भी नहीं मिलने के बाद वो ग्लेन की फोटो को अच्छी तरह से देखता है और निकल पड़ता है। बाहर वो किसी को दफन देखता है और फ्रैंक समझ जाता है कि क्रिस मर चुका है, लेकिन ये दुखी होने का समय नहीं है। उसकी पोती अभी भी लापता है। अब रास्ते में ग्लेन ने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी मदद मांग रहा है। ग्लेन रिज को जल्दी से ट्रेलर के पीछे जाने के लिए कहता है, इस डर से कि आदमी खतरनाक भी हो सकता है। ग्लेन का सबसे बुरा डर सच हो जाता है क्योंकि आदमी ग्लेन पर बंदूक तानता है और उसे गोली मार देता है। वो आदमी तब ट्रेलर पर घुस जाता है और गाड़ी लेकर चल पड़ता है, जिसके अंदर रिज भी होती है। थोड़ी देर के बाद वो एक कार रिपेयर दुकान के पास रुकता है और एक ट्रक से गैसोलीन चोरी करने के लिए चुपके से अंदर आता है। अचानक आदमी को एक हंटर गोली मारकर मार देता है और रिज इस मौका का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। हालांकि कुछ ही समय के बाद वो उसी हंटर द्वारा पकड़ी जाती है, जो उसके सिर पर एक बैग रखता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक अजीब सी बूढ़ी औरत होती है, जो दावा करती है कि रिज उसकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस आई थी। इस बीच फ्रैंक ग्लेन के डेड बॉडी को ढूंढता है।
और इससे वो रिज के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है। दूसरी ओर डिनर के दौरान बूढ़ी औरत रिज को अपने परिवार से मिलवाती है। उसका बेटा बिली वही हंटर जिसने उस आदमी को मारा और ये है क्विन उसका शर्मीला पोता। ये पता चला कि बिल्ली हमेशा बिना किसी कारण के अपने बेटे को पीटता है और उसका इंसल्ट करता है। इसके बाद रिज घटनाओं के बारे में उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। वो ये भी कहती है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती और जितनी जल्दी हो सके उसे अपने दादाजी के पास पहुँचना होगा, लेकिन बूढ़ी औरत उसे जाने नहीं देती। इसके बजाय वो उसे रात के लिए एटिक में रहने के लिए मजबूर करती है। कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण रिज एटिक की ओर जाती है, लेकिन उसका रात बिताने का कोई इरादा नहीं है। बचने की कोशिश में वो मेन डोर के पास जाती है जब सभी सो रहे होते हैं। वहाँ फिर ताला खोलती है, लेकिन बूढ़ी औरत ये सुनती है और तुरंत बिली को उसके पीछे भेज देती है। रिज भागती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और हंटर उसे अपने घर वापस ले आता है। जब रिज को होश आता है तो वो खुद को एक बैग के अंदर बंधा हुआ पाती है जो एक पेड़ पर लटका हुआ है। तभी एक भालू उसके पास आता है और बैग को खोलने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि रिज बचेगी नहीं, लेकिन बिली समय से पहले वहां पहुंच जाता है और भालू को गोली मार देता है। ये पता चला कि विशाल जानवर को लुभाने के लिए रिज को बस चारे के रूप में उन लोगों ने इस्तेमाल किया। उसे एक छोटे से स्टोर रूम में ले जाया जाता है जहां बिल्ली उसे कुछ दिन के लिए बंद कर देता है, लेकिन एक दिन वो उसे बाहर निकालता है और बूढ़ी औरत उसे यहां रहने और उसके बेटे से शादी करने के लिए कहती है। हालांकि रिज ने जवाब दिया कि वो उस पागल के साथ रहने के बजाय स्टोर रूम के अंदर ही रह लेगी। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है क्योंकि गुस्से में वो बूढ़ी औरत रिज को वापस से स्टोर रूम में फेंकवा देती है। इस बीच उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए हैं। बचने के लिए बेताब रिज अपने हाथों की रस्सी को काटने में कामयाब हो जाती है और खुद को पूरी तरह से खोल लेती है। हालांकि वो भागने का प्लान नहीं बना पा रही, तभी उसने क्वीन को उसकी ओर झांकते हुए नोटिस किया और वो क्वीन के कमजोरी का फायदा उठाने लगती है। वो मदद के लिए मान जाता है क्योंकि अपनी दादी और अपने पिता दोनों से लगातार अत्याचार से वो तंग आ चुका है। वो स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं और रात भर दौड़ते हैं। अगली सुबह बिली को पता चलता है कि दोनों भाग चुके हैं और तुरंत वो उसकी खोज शुरू करता है। वो उनके कदमों और टूटी हुई टहनियों को फॉलो करता है। दूसरी ओर क्वीन और रिज जामुन खाते हैं और कुछ देर बाद वो एक चट्टान पर पहुंचते हैं जहां से क्वीन लगभग गिरकर मर ही जाता है, लेकिन रिज उसे बचा लेती है। फिर उन्हें एक पेड़ का तना मिलता है जो पुल के रूप में काम करता है और धीरे धीरे दोनों उस पर आगे बढ़ते हैं। पर अचानक बिली उन्हें दूर से देखता है और एक शॉट लेता है। ये देखकर दोनों दौड़ने लगते हैं और वो झील के पार आ जाते हैं। ये महसूस करते हुए कि बिली से आगे वो नहीं निकल सकते, वो खुद को छिपाने के लिए पानी के अंदर खुद को डुबा लेते हैं। हंटर के वहां से जाने के बाद रिज और क्वीन झील से बाहर निकलते हैं और उल्टी दिशा में भाग जाते हैं, लेकिन हंटर अपने पीठ के पीछे से ये नोटिस कर लेता है और फिर से पीछा करता है। आखिरकार वो उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन क्वीन उसे लड़ता है जबकि रिज एक चट्टान के पीछे छिप जाती है। दोनों के बीच लड़ाई के दौरान बिल्ली की बंदूक रिज के सामने गिर जाती है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो हंटर अपने बेटे क्वीन को पीट पीट कर मार डालेगा, इसलिए रिज बंदूक उठाती है और बिल्ली के लिए निशाना लगाती है और उसे मार देती है। पर असली में ये पता चला कि गोली चलाने वाला असली में रिज के दादाजी थे जो गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। राहत महसूस करते हुए रिज अपने दादाजी को कसकर गले लगाती है। कुछ समय के बाद फ्यूचर में क्वीन और रिज दोनों फ्रैंक के साथ रहते हैं एक परिवार की तरह। ईएमपी के प्रभावों से दुनिया की हालत अभी भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए हर चीज मौजूद है। क्वीन रिज का लैपटॉप खोलता है और उसके दोस्तों का कई मैसेजेस को नोटिस करता है। पता चलता है कि पावर आउटेज की समस्या आखिरकार धीरे धीरे खत्म हो रही है। और इसी के साथ साईफाई मूवी रेडियो फ्लैश यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।